जी मैं सही कह रहा हूँ। मियाँ तुम तो अपने सामने किसी की नहीं सुनते। वसीम मियाँ की जुबान सख्त जरूर है लेकिन दिल का वो अच्छा आदमी है, भला उससे बात करने में हर्ज ही क्या है। मियाँ पता नहीं क्यों वो मेरे मिजाज पे उतरता नहीं, अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, होगा जमींदार का बेटा। ओफो मियाँ इसी सोच की वजह से सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा मेरी मानो तो मैं उसकी बीवी नसरीन से बात करूं, भाई मसला तो हल होना ही है वरना तुम परेशानी में पड़ जाओगे। मुल्ला जी उसकी बीवी की बात ना करो, ये ठीक है कि उसके कहने पे लड़कियां पढ़ने लगी हैं लेकिन अपनी मनमानी भी तो करने लगी, ये भी तो सोचो। अब शगुफ्ता को ही लो, शादी से इनकार करने लगी, उम्र निकल जाएगी तो कवारी की कवारी बैठी रह जाएगी। ऐसी मनहूस बात जबान पर मत लाओ मियाँ, अगर इलियास से शादी लिखी है तो जरूर होगी। हाँ तुम वसीम से बात नहीं करना चाहते मत करो। तो ठीक है अगर आप कहते हैं तो मिल ही लेते हैं। चलिए फिर। एक बात समझ नहीं आती इलियास, जब शहजाद ने खुद ही कहा कि वो अपनी बेटी को ब्याहने को तैयार है तो शगुफ्ता ने मना क्यों कर दिया? सुना है वो पढ़ना चाहती है इसलिए वो शादी करना नहीं चाहती। तो कुछ भी कह इलियास, एक तरह से उसने मना ही कर दिया ना, और फिर गांव में भी यही चर्चा है। अम्मा इन गांव वालों की बातों मत जाए करो। तू एक काम कर इलियास, जमींदार की बहू से जाकर मिल, वो तुझे असल बात बताएगी, और शगुफ्ता भी उसी के पास पढ़ने जाती है। अम्मा तुम कहती हो तो मैं मिलने चला जाता हूँ। वैसे अम्मा शगुफ्ता ठीक ही तो सोच रही है, अब ये जाहिलों की तरह जीना भी कोई जीना है? कोल्लू के बैल की तरह वक्त गुजारते रहो। हम नहीं पढ़ सके, चलो हमारी मजबूरी थी या इसे नसीब कह लो। अब वो अगर पढ़ लिख लेती है और एक पढ़े लिखे से शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये सब नहीं जानती, शगुफ्ता मुझे अच्छी लगती है और उसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तू भी नहीं चाहता तो ठीक है। नहीं अम्मा मैंने ऐसा कब कहा, मैं वसीम भाई की बीवी से मिलूंगा, सब उनके मिजाज की तारीफ करते हैं। मियां वसीम। अरे मुल्ला जी आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए बरकत मियां, आइए 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 तशरीफ। और मुल्ला जी खैरियत है सर? जी हाँ खैरियत तो है, बस इस वक्त हम किसी खास काम से आपके पास हाजिर हुए हैं। खास काम फरमाइए। भाई वो कल रात प्रतापपुर मोड़ पर इनके बेटे के दोस्तों की किसी से मारपीट हो गई, अब उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है, अब पुलिस है कि इनके बेटे को ढूंढती फिर रही है। मेरा बेटा मार पिटाई में शामिल नहीं था, वो बेकसूर है। ये ठीक कह रहे हैं, असल में शिकायत इनके लड़के के यार दोस्तों के खिलाफ ही दर्ज हुई है, फिर भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। चौकी इंचार्ज कौन है? सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण, तुम्हारी उससे अच्छी जान पहचान है। वो तो शरीफ और ईमानदार ऑफिसर है, झूठे मामले में किसी को नहीं डालता। अगर वो बेकसूर है तो रामकृष्ण सख्ती नहीं करेगा। हम चाहते हैं बेटा कि तुम उससे बातचीत करो। ठीक है, जब वो राउंड पर आए तो मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं मिल लूंगा। ठीक है बेटे, तुम कोशिश करोगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। चलो बरकत अली। अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज़।
आपा ये तो बताओ कि गांव के कुछ लोग नसरीनबाजी के खिलाफ क्यों हैं? लोग नहीं, सिर्फ वो बरकत अली साहब हैं जो बात बात में फतवे की धमकी देते रहते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ अंग्रेजी हिंदी से है। खुद तो उन्हें हिंदी तक नहीं आती लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझते हैं। तुम्हें याद है सायू जब नसरीनबाजी गाँव में पहली बार आई थी? बस उन्हें उन कपड़ों में देखकर वो तब से आग बबूला हैं। अब्बा कह रहे थे बरकत अली साहब नसरीन बाजी के खिलाफ फतवा मंगवा रहे थे। अब तो बेचारे को कोई घास भी नहीं डालता फिर भी सबकी बुराई करते फिर रहे हैं। अरे हटाओ ये बात, ये बताओ गांव में लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? अरे वही शादी के रिश्ते वाली बात। देखो तुम इस बात की फिक्र ना करो, यहाँ के लोगों को तो खाना खुशी करने की आदत है और तुमने रिश्ता थोड़े ही तोड़ा है। बस यही तो कहा है ना कि पढ़ लिख करके शादी करोगी, और जब घर में कोई कुछ नहीं कहता तो गांव वालों को बोलने दो। हाँ अम्मा और अब्बा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो तुम इस बात की फिक्र ना करो, पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं तो मुल्ला जी से भी उलझ जाती हूँ। लोग मुझे मुँह फट कहते हैं तो कहा करें, हम कोई गलत काम थोड़े ही कर रहे हैं। साइमा तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, नहीं तो कुएं की मेंढकी बनी रह जाओगी। गांव में बदलाव लाने वाली यही नसरीन है, जमींदार साहब की बहू। नसरीन ने इन लड़कियों में एक लगन पैदा कर दी है, उस शौक को उस जज्बे को उभार दिया है जो पुराने ख्यालों और माँ बाप की जिहालत से दबा हुआ था। मिट्टी के अंदर नमी ना हो तो बीज पौधा नहीं बनता, नमी से मिट्टी जरखेज होती है तो खेतों में सब्ज इनकलाब आता है। इलियास है। अच्छा आओ बैठो बैठो बैठो। तुम सिकंदर अली के बेटे हो? जी। तब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी वालदा कैसी है? अच्छी है, पहले से कुछ कमजोर हो गई है। और तुम क्या करते हो? थोड़ी सी जमीन है उसी को जोते बोते। अंदर मरहूम के पास तो अच्छी खासी जमीन थी। वो अब्बा के वक्त से ही चाचा के जोत में थी लेकिन चाचा ने। तुम्हारे चाचा जान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वही अकबर मियाँ। उन्होंने उस गरीब धोबी, भला क्या नाम है उसका, सोनेलाल, उसकी जमीन भी हड़प ली। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम किस लिए आए थे? मुझसे कोई काम है? जी मैं उनसे मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा नसरीन से? जी। अच्छा मैं उन्हें भेजता हूँ। आपके कोई नए शागिर्द मिलने आए हैं। शागिर्द? कौन शागिर्द? भाई मैं क्या जानू, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन आया होगा? जी मेरा नाम इलियास है, वसीम भाई जानते हैं। शगुफ्ता का रिश्ता मुझसे ही तय हुआ था। तय हुआ था? क्या मतलब? क्या अब रिश्ता टूट गया? जी। लेकिन
सकीना बाजी से तो मेरी मुलाकात हुई है, अभी परसों ही मेरी उनसे बात हो रही थी, शगुफ्ता की शादी की बात भी निकली थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। तुम शगुफ्ता को पसंद करते हो, उससे मिलते हो? कभी कभार आमना सामना हो जाता है। बचपन में हम साथ ही खेलते थे और भी साथ खेलते थे। अच्छा तुम करते क्या हो, पढ़े लिखे तो हो? जी पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, अबू बीमार रहते थे इसलिए खेती बाड़ी संभालनी पड़ी। और तुम शगुफ्ता से शादी करना चाहते हो? जी। लेकिन शगुफ्ता तो पढ़ना चाहती है। जी मालूम है, और पढ़े लिखे आदमी से ही शादी करना चाहती है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम शगुफ्ता से शादी करना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी कहिए, हम तैयार हैं। नहीं अभी नहीं, पहले मैं शगुफ्ता और उसकी माँ से बात कर लूँ, ठीक है? क्या सोच रहे हो शहजाद मियां? तबीयत तो ठीक है, बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हो। नहीं तो सब ठीक ठाक है। अरे सब ठीक कहां है मियां, क्या हमें मालूम नहीं? बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया, ये क्या कोई शर्म की और जिल्लत की बात नहीं है? ये सब उस जमींदार की बहू का किया धरा है। हिंदी अंग्रेजी बोलने वाली शहर से क्या आई कि पूरे गांव का माहौल बिगाड़ दिया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मौलवी साहब। ऐसी बात कैसी नहीं है, अभी तो शुरुआत है मियां, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। अभी तो शगुफ्ता ने इनकार किया है, शहरी बनने की अंग्रेजी बोलने की बवा फैली तो गाँव की हर लड़की इनकार कर देगी शादी से। लेकिन मेरी बेटी ने शादी से इनकार नहीं किया है, वो तो सिर्फ थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहती है, बाकी शादी तो होगी ही। मियां अंग्रेजी तालीम है ही ऐसी मनहूस, शहर की लड़कियों को नहीं देखा, दिल्ली तो जाते ही होंगे, कैसी भागी भागी फिरती हैं, न शर्म न हया। पढ़ी लिखी तो वसीम साहब की बीवी भी है, नमाज पढ़ती है, कुरान हदीस जानती है। बस यही देख के तुम रीझ गए, सुना है अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए, वो कौन सी फैशन वाली पढ़ाई होती है, ऐसी औरत क्या तरबियत देगी। मौलवी साहब ऐसा तो ना कहिए, देखिए चाल ढाल से ही इंसान की पहचान होती है, और वो सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए तो कहती है, इसमें क्या बुराई है? मियां इलियास का चचा अकबर बहुत बिगड़ा हुआ है, कह रहा था शहजाद की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तय रिश्ता तोड़ बैठा, तुम तो जानते ही उसे, एक नंबर का फसादी है। फिर वो शेख बिरादरी का है, सब उसी का साथ देंगे, जो होगा देखा जाएगा। देख नसरीन, ये तो बहुत परेशान है। अरे मैं इसे समझाती भी हूँ, रिश्ता तो तय है ना, आज नहीं तो कल ब्याह हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। सुना है अकबर सबसे कहता फिर रहा है कि शगुफ्ता की शादी इलियास से तो क्या गांव में किसी से नहीं होने देगा, कहता है रिश्ता तोड़ा तो तोड़ा कैसे, शादी नहीं होने देगा, उसके बाप का राज चल रहा है क्या? आप क्या चाहती हैं? मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, और शगुफ्ता कुछ ऊंच नीच समझती नहीं है। मैं उसे समझाऊंगी, शादी ब्याह भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तनाव पैदा करने के लिए नहीं होती, और शौक होगा तो शादी के बाद पढ़ लेगी। अरे शादी के बाद कौन पढ़ता है बहन, वक्त ही कहां मिलता है। वो तो ठीक है, लेकिन इलियास का चचा दुश्मनी पर उतर आया है, और यहाँ सबसे बड़ी टोली शेखों की है, हमारी क्या चलेगी। अरे तुम तो खामों का सोच सोच कर हलकान हो रही हो, अकबर अली का साथ कोई नहीं देगा, अलबत्ता वो खबीस मौलवी बरकत अली है ना, अरे ये लगाई बुझाई की आदत उसी की है, जरूर उसी ने अकबर को भड़काया होगा। उस दिन वो शगुफ्ता के बाप को भी जाने क्या क्या कह रहे थे,
अरे हम गरीब हैं, लड़की वाले हैं। अरे ऐसी भी कोई अंधेर गद्दी नहीं है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ चलो अब चलते, बहुत देर हो गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर अच्छे काम में रुकावट आती है। नसरीन तालीम का माहौल बनाना चाहती थी, माहौल में तब्दीली भी आई, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए, जैसे शगुफ्ता की शादी। अक्सर लड़कियां इन्हीं सवालों में उलझकर तालीम से महरूम रह जाती हैं। रास्ते में गरीबी भी आती है, क्या गरीबी से इंसान को बेबस और कमजोर हो जाना चाहिए? सच पूछिए तो अल्लाह ने इंसान के अंदर बड़ी ताकत दी है, सूझबूझ, एहसास, समझ। وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ। قرآن کی 35ویں سورہ فاطر کی 22ویں آیت میں اللہ زندہ اور مردہ کی مثال دے کر سمجھاتا ہے कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। जिंदा वो है जिसके अंदर जमीर जिंदा है, जो भले बुरे की तमीज से आगाह करता है। जब इंसान खुद को कमजोर बना लेता है तो जमीर मुर्दा हो जाता है। ऐसा इंसान मुर्दा है, वो मोहताज हो जाता है, और मोहताजी को गरीबी कहता है। अल्लाह ने जिंदगी मुश्किलों का मुकाबला करते हुए जीने के लिए दी है, दूसरों के सहारे झेलने के लिए नहीं। नसरीन क्या बात है? कुछ नहीं। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या परेशानी है? इलियास के चचा ने धमकी दी है कि वो शगुफ्ता की शादी गांव में नहीं होने देंगे। अकबर की ऐसी की तैसी, ये गांव को इसकी बपौती है? पूरे समाज में नंगा कर दूंगा। मुझे मालूम है इलियास की जमीन उसने कैसे हड़पी है, एक मिनट में सारी हैकड़ी निकल जाएगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी, लेकिन यहां तो हालात ही कुछ और हैं। नहीं नसरीन, तुमने तो इस गांव में नई रोशनी बिखेरी है। मैं इस घर में एक स्कूल खोलूंगा। मैंने मेरठ में एक लेडी टीचर से बात भी कर ली है, हमारे जाने के बाद वो रोजाना यहां आया करेगी। सच? मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को बेकार नहीं जाने दूंगा। उस टीचर का नाम एमन है, 2,500 रुपए महीना लेगी और आने जाने का खर्चा अलग से होगा। तुम हिम्मत मत हारो, समाज अच्छे और समझदार लोगों से चलता है, बरकत अली और अकबर जैसे फितनों से नहीं। तुम इन छिछोरों की परवाह मत करो। थैंक यू वसीम, मैं तो हिम्मत ही हारने लगी थी, मुझे लगा यहाँ तो जात बिरादरी का झगड़ा शुरू हो गया है। देखो भाई, ये मसला बिरादरी का नहीं है। अकबर समझता क्या है अपने आप को कि वो जो करेगा बिरादरी क्या उसका साथ देगी? हरगिज नहीं। अव्वल तो इस्लाम में जात बिरादरी का कोई तसव्वुर नहीं है, पर जहां तक शहजाद का सवाल है, उसकी जात कोई भी हो, लेकिन वो अकबर से ज्यादा बेहतर और अच्छा इंसान है। शगुफ्ता के दिल पर क्या गुजरती होगी, मैं तो यही सोचती हूँ। देखो बेटी, हम तो यही समझाने आए हैं कि तुम अपना काम जारी रखो। इलियास की शादी सबुक्ता से ही होगी, देखते हैं कौन रुकता है। अकबर की 7 पुश्तों में कभी किसी ने किताब की शक्ल देखी है?
अरे वो क्या जाने तालीम की कद्र करना। अकबर को समझाना होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अकबर से पहले बरकत अली को काबू में करना होगा। सारे फसाद की जड़ तो वही है। शगुफ्ता के बारे में छोड़ो अकबर मियां, उसके दिमाग में तो जमींदार की बहू ने फितूर भर रखा। मुझे उसके साथ रहती ना वो छिपकली सी, क्या नाम है उसका, साइमा, वही शगुफ्ता से मिलती रहती है। शगुफ्ता के बाप को सोचना चाहिए था किससे पंगा ले रहा है। अरे उसकी औकात ही क्या है। मेरे भतीजे के लिए रिश्ते की बात उसने की थी और अब पूरे गांव में चर्चा है कि इलियास का रिश्ता टूट गया। भाई मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। अकबर मियां, शहजाद तो सिर्फ जमींदार के बेटे वसीम का चमचा है। तुम तो बस वसीम की सोचो। वसीम का हिसाब भी हमें चुकाना है। तुम तो गवाही के लिए तैयार रहो कि मेरे भाई साहब ने अपनी जमीन कर्ज के एवज में मुझे दी थी। लेकिन मियां, तुम वो वसीयतनामा संभाल के रखना। मैं देख रहा हूं जब से जमींदार की बहू यहां आई है तुम सब टेढ़े होके बातें कर रहे हो। इलियास का चचा जो कह रहा है या दूसरे लोग जो कह रहे हैं क्या गलत है? उस लड़की की इतनी हिम्मत कहां से हो गई कि वो शादी से इनकार कर बैठी? तुम हर मामले में जमींदार साहब की बहू को घसीटा मत करो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो और जाकर अपने उस अकबर से भी कह देना कि अगर वो ज्यादा फैला तो उसका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम तो उसके बहुत बड़े हिमायती हो। ज्यादा लाल पीले होने की जरूरत नहीं है, जाके खुद कह दो उससे। वैसे वो भी गलत नहीं कहता, इलियास का चचा है, उसकी भी कोई इज्जत है। ठीक है, लेकिन उसकी ये कहने की मजाल कैसे हुई कि शगुफ्ता की शादी वो किसी से नहीं होने देगा? ऐसी लड़की को बहू बनाएगा कौन जो एक रिश्ता तोड़ के बैठ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अरे हुलिया तो ऐसा बनाकर रखते हो जैसे बड़े दीनदार हो, ना जुबान पर काबू ना दिमाग पर। बददिमाग तुम लोग हो, वसीम के बलबूते पे कूदते हो। कसम खुदा की मौलवी साहब, तुम हो बड़े एहसान फरामोश। अगर उस दिन वसीम भाई इंस्पेक्टर से बात ना करते तो आज तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे होता। तू चुप कर। मेरे बेटे ने किया है क्या है? वो तो मैं इन दोनों की वजह से चला गया था, मेरा बेटा तो छूट ही जाता। मैं तो चला इस शख्स को तो। अरे मुल्ला जी, मैं भी किसी काम से आया था, ये रमजानी ने आवाज दे दी तो यहाँ आ गया। अरे जाओ जाओ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तू क्यों घूर रहा है? तो चाय बना, सारा जायका खराब कर दिया इन लोगों ने। तुम्हारी तरफ चार कप हो चुके हैं। अरे तेरे कभी पैसे मारे हैं जो गिनती गिना रहा है? अमर शहजाद, अमर इधर आओ मियां। आओ बैठो, चाय पियो। है अमर रमजानी, चाय ला भाई। और बताओ कैसे हो? उस दिन तुम खामखा नाराज हो गए। भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कुछ कहता हूँ। मियां, आज सुबह सुबह वसीम किस लड़की को गाड़ी में लेके गया था? गांव की तो नहीं थी? मेरठ की टीचर है वो, कसम खुदा की अब उसमें कीड़े मत निकालने लग जाना। तू बीच में मत बोला कर। वो लड़की यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया करेगी। वसीम भाई अपने घर में स्कूल खोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो लड़की यहीं रहेगी? नहीं नहीं, रोज आया जाया करेगी। रोज का आना जाना? मैंने देखा है बड़ी कमजोर सी है, कितने दिन चलेगी? कौन सा पैदल चलेगी, बस में आएगी, बस में जाएगी, पढ़ाने आएगी, कुश्ती लड़ने थोड़े ना आएगी। तो फिर बीच में बोल पड़ा।
चलो अच्छा है गांव में स्कूल खुल जाएगा, लेकिन मियाँ वसीम को समझा देना, उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर ले कि चाल ढाल की कैसी है, गांव की लड़कियों का सवाल है। सोबत का असर पड़ता है। मौलवी साहब सुधरने वाले नहीं है, इनकी हर कल टेढ़ी है। निहायत ही बदतमीज इंसान है, न जाने किस घड़ी की पैदाइश है। मौलवी साहब पैसे? कैसे पैसे? हाँ लगा लेना कोई, हम भागे जा रहे हैं। कमबख्त कहीं का। ये बताओ दुल्हन, नई टीचर पढ़ाने के साथ साथ फ्रेम बनाने के काम भी करवाएगी? बात यह है कि दो पैसे की आमदनी भी हो जाती है। क्यों नहीं खाला, मैं उसे समझा दूंगी। तुम यही क्यों नहीं रह जाती बहू, लड़कियों का पढ़ने लिखने में जी भी लग गया है? ये कोई बात हुई? अरे वसीम काम वाला आदमी है, उसे नुकसान ना हो रहा होगा। बाजी आपके जाने के बाद जी नहीं लगेगा। ऐसा कहोगी तो मैं आज ही चली जाऊंगी। पढ़ाने वाला कोई भी हो, तुम्हें पढ़ना है। ईमन बाजी आपकी तरह पढ़ा सकेंगी? वो पढ़ी लिखी हैं, उनकी इज्जत करना, उनकी बात मानना। दिल में ठान लो कि तुम्हें पढ़ना लिखना है, सीखना है। अदब से झुककर अगर किसी से भी सीखना चाहोगी तो वो तुम्हें जरूर सिखाएगा। बहू ठीक कहती है, तुम जितना इल्म सीखोगी उतना ही तुम्हारा भला होगा। इल्म वालों की इज्जत करोगी, हक पर रहोगी तो जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, दुनिया में नाम होगा। जानती हो जब रावण इस जमीन पर दम तोड़ रहा था तब लक्ष्मण ने तनकर उससे कुछ जानना चाहा। इस पर भगवान राम बहुत बुरा मान गए और उन्होंने लक्ष्मण को तंबी की, बोले कि ज्ञान जो है वो तनकर नहीं बल्कि झुककर प्राप्त किया जा सकता है। इसे इनकेसारी कहते हैं और इनकेसारी की तालीम हमें हमारे प्यारे नबी ने भी दी है। इनकेसारी समझती हो ना? जी, आपने बताया था अंग्रेजी में मॉडेस्टी और हिंदी में शालीनता। शाबाश, हर जबान हर भाषा सीखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इल्म कुरान से हासिल करो, बाइबल से, गीता से हासिल करो। तमाम किताबों तमाम धर्मों में सच्चाई पर रहकर जीना सिखाया है। वाह वाह वाह, इस तरह अगर लोग एक दूसरे को समझाए तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। बताते इस तरह है जैसे हम तो अच्छे बाकी सब बुरे। गांधी जी की एक बात अक्सर याद आती है, उन्होंने एक बार कहा था कि कभी ऐसा लगेगा कि हम अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, कामयाबी जरूर मिलती है। जो लोग मकसद के साथ निकले वो लौट कर कामयाब आए।